स्मार्ट होना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यही खाना पड़ेगा और साथ ही कॉफ़ी पियेंगे हम। संदेश की जो होती है ना कोल्ड कॉफ़ी होती है पहले ही, इसमें सारी शुगर भरी होती है। पता नहीं क्या अजीब सी डाइटिंग करती है मेरी यार। देखें बिल्कुल ही सादा कॉफ़ी, इसके अंदर हम स्प्लेंडर डालेंगे। ग्रोसरी की लिस्ट बना रही हूँ तुम्हारे लिए, चीज़ें लेके आनी है। तो मैं इस बात का इल्म होगा कि शेख्स लोग भाई जो है ये बड़े रिस्पेक्टेड बड़े बिजी आदमी है इस दुनिया में, तो ये बड़े लेवल के काम मेरे लिए ना रखा करो ना। सारे आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा सबके लिए कस्टर्ड बना लूँ। ओके वापस। यार गाइस मैंने अभी नोट किया कि आज मेरे बालों की जो चोंच है ना थोड़े तोते की तरह खड़ी हुई है, इसको भी बिठाने का कोई हिसाब लगाते हैं। और आज यार अपनी माँ वापस आ रही है खाला एंड को के साथ, तो उनके लिए सुंदर आज खाना शाना बनाने के मूड में है, तो कह रही है मैं खाना बना रही हूँ तो तुम मुझे चीजें पहले ला के दो। पहले मैंने कहा यार वॉक करके चलते हैं, फिर मैंने कहा यार चावल चावल उठा के लाने पड़ेंगे तो अपनी डिस्को को तकलीफ देते हैं। आपको पता है डिस्को की एंट्रेंस अजीमो शान वाली जगह से होगी। जलाल साहब का भी गाइस कोई पता नहीं, किसी दिन मेरा व्लॉग ही देख ली, अजीमो शान वाली एंट्रेंस ही ना मेरी काट दे। टमाटर भी लेके आने, टमाटर के लाने के नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। डिस्को बजे तो मैं तेरी वेट को, रिस्पेक्टेड शेख साहब आ रहे हैं। ट्रॉली पकड़ते हैं यार सबसे पहले। सीला चावल पड़े हैं 730 रुपए। टमाटर जो है गाइस 145 रुपए किलो है, इसका भी वेटिंग वजन करते हैं। गाइस रेट शीट साथ साथ चेक कर लेना, शेख व्लॉग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सामान सामान सारा पूरा हो गया। 50 की मूंगफली और सख्त वाली मकई मिक्स इधर ऑर्डर दे दिए, बनने शुरू हो रही है। सामान गाड़ी में रखें। सुंदर मेहरबानी करो यार, ये सामान लेके जाओ अपना। वो मेरी दवाई दी थी। नहीं दोपहर में ही देनी है ना। आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक मामा लाहौर में है तब तक मेरा काम है पापा की दवाइयाँ पूरी करना। सुंदर ने मेहरबानी नहीं की गाइस यार, खुद उठाना पड़ेगा। ये लो जी सामान सारा आ गया उस प्लेन केक के अलावा। क्या होना बात तुम्हारी किसी? अभी हमने ये देनी है, क्लोडोफिन देनी है और दूसरी ये ब्रेसलेट देनी है। ये ले, ये तो चने हैं, वो मेरे हैं चने, ये दवाइयाँ आपकी। अभी सोसाइटी से भी यार लेबर का फोन आया, कह रहे हैं कि हम गेट के ऊपर खड़े हुए लेकिन इधर सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। कोई हाई प्रोफाइल बंदा आ रहा है तो उन्होंने पूरे सोसाइटी के लेबर को ही कह दिया कि आज कोई काम नहीं करेगा, कि आज ऑफिसर साहब अंदर आ रहे हैं। भाई साहब ये मुल्क का हाल रहा ना, तो यूथ जो है ना काला के साथ कैनेडा ही ना भाग जाए। डिस्को के दादे को दिलवा के लाओ जल्दी। फ्रूट केक भी ना भूल जाना ना, वो सुंदर के लिए लाजमी लेके आना, नहीं तो डिश अधूरी रह जाएगी। लेकिन कितने की सस्ती से सस्ती धुलेगी? सस्ती से सस्ती धोनी है। फुहार मारो और जाओ फ्री हो गया मेरे तरफ से। अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा शैम्पू भी लगाना पड़े। 500 रुपए वॉश। वॉश 500 रुपए? ओ ना करे यार। तो ये गाड़ी 350-400 रुपए दे देगा। वो अमीर बंदा है ना, मैं अमीर बंदा तो नहीं हूँ, मैं तो किसी की गाड़ी पकड़ के लाया हूँ। 10 लाख मुझसे ले लो नगद, मुझे चाय भी छोड़ना। अच्छा चले 400 में कर दो, चले वॉश करवा दो। गंदी देखें यार कितनी हुई है, 400 रुपए तो फिर बनते ही है इसको धोने के। जब कलाम गए थे ना तो ये जगह उस वक्त कलाम के बाजार में लगी थी। सुंदर का प्लेन केक लेने जा रहा हूँ यार। एक ये बड़ा प्लेन केक दे दे शाम के लिए यार। पनीनी ले लेते हैं, थोड़े क्लब सैंडविचेस ले लेते हैं, थोड़ी शॉशलेक भी ले लेते हैं। टेंट से तो गाय जलाल साहब ही लग रहे हैं। आप लोग कह रहे होंगे टेंट किधर है, ये देखे यार ये अभी धुलवा के लाए हूँ। कुछ गंदी इधर से पहले होगी है, कुछ गंदी इधर से पहले होगी है। हाँ बच्चे कैसे हो? अंदर से तो नमाज पढ़ी थी, मेरी पनीनी चेक करे। अभी चिकन मैरिनेट करके रख दिया है, अभी मैंने उसके बाद उसको पकाना है, फिर मैंने जेलीज पकानी है, फिर मैंने कस्टर्ड पकाना है, फिर मैंने बाउल में सारी चीजें असेंबल करनी है। मुझे क्यों बता रही हो? ताकि तुम कहो क्या हो, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प कराता हूँ। अभी हमारा पार्सल आ गया, वो पंखे जो ऑर्डर करवाए थे ना, 3 पंखे ऑर्डर करवाए थे आगे कराची से। 2 hours later व्लॉग बैठा एडिट करा था, टाइम देखना ही नहीं याद रहा यार। 5:15 बजे बस उनकी पहुँच जानी है, मैं अभी तक घर से भी नहीं निकला। टाइम आप लोगों के सामने जो है ना 5 बज चुके हैं। जलाल साहब के साथ साथ इन्होंने भी आवाज लगानी शुरू कर दी। बस मेरे ख्याल से मेरे पहले पहुंच गई। बाकी किसी चीज का यार मसला तो नहीं? मेरी खाला ने बड़ी चैंचा करनी है। इस्लामाबाद टू लाहौर है, बचत होगी अभी नहीं है। मैं कार्डमम टी है, लाइट गई हुई है यार, कुछ और ही पी लेते हैं, हेल्दी काम हो जाए। ये क्या करवा के आए, लड़के आए किसी से? हाँ बच्चे कहते हो आए। सामान उठाए अपना, सामान लोड हो रहा है पूरी गाड़ी में। कुछ लगा हुए गाइस उस दिन की तरह आज भी डिग्गी बांधनी है, निशान आ रहा है। नहीं क्यों नहीं बांधो, अब हो गया। जाके छह खमीर 3 पतीर लेके आओ। खाने में पुलाव है, चिकन के सालन है, बिरयानी है। ये सुंदर ने पटियाला चिकन बनाया, टेस्ट टेस्ट भी गाइस इसका होना चाहिए। ये चेक कर गाइस, ये चेक करें, ये मैंने ट्राइफल बनाया है, इसमें केक्स है, फ्रूट्स है, जेली है, कस्टर्ड है। दुनिया यार इधर सो रही है, आप देख सकते हैं इस जगह पे लगता है कोई खुफिया मीटिंग चल रही है। क्या ख्याल है बॉस? बॉस गाइस गिरने वाला था ऑलमोस्ट। अभी यार हम लोग जा रहे हैं कहीं पे जींस शींस लेने। ये कैसी है यार गाइस? बड़ी मजे की गरम गरम लेकिन है बहुत ही ज्यादा पफी। ये वाली गाइस बताएं कैसी लग रही है? ज्यादा अच्छी लग रही है लेकिन ये जिप मुझे इसके इतने मजे की नहीं लग रही। अभी सुंदर को मैंने बुलाया सेकंड। यार ये तो ना करो, ये तो ना करो, ये ना करो यार, मना कर दी। उसने कहा कि वो तो किसी सूरत नहीं लेनी। मैंने कहा यार ये दूसरी वाली अभी पहन के दिखाता हूँ, ये चेक करें कैसी लग रही है। अच्छी तो लग रही है, पता नहीं इसको क्या हुआ। ये भी नहीं, लेकिन लेकिन यार इसको मसला जो लग रहा है ना, इधर
नहीं हो रहा ना, तभी तो कह रहा हूँ इतने मजे किए कि बिल्कुल ही पफी पफी है, मजे किए। लेकिन फिर जिप बंद करके पहनो तो बस इस तरह पहन लेंगे यार, हम क्यों ब्रांड को एडवर्टाइज करेंगे। एक और मॉल में जाके देखते हैं, उधर हो सकता है कुछ मिल जाए। गाइस ये बताएं कैसी लग रही है, ये भी कलर है यार, ये बताएं ये कैसा लग रहा है। चलो दो तीन बंदों से एडवाइस ले रहे हो तो कोई किसी एक को कोई नहीं पसंद आता, कभी दूसरे को नहीं पसंद आता। सुंदर से यार गाइस कुछ ले लिए, कपड़े कोई नहीं मिल रहे, कोई ड्रिंक्स ड्रिंक ही ले लेते। रात के 10:30 हो गए, आए हम लड़के अपनी शॉपिंग के लिए थे, लेकिन लड़कियां घुस गई अपनी शॉपिंग में, अभी तक वापस कोई नहीं आया। इसने यार गाइस मुझे किसी जगह से भी जैकेट नहीं लेने दी, बोलो भी ना आगे से, कसम से यार समझ नहीं आती कि आगे बात भी करनी होती है। तो नहीं मना किया, ले ले तुमने ही दोनों जगह से, तीसरी जगह से भी तुमने मना किया। चॉकलेट फज, कैरेमल क्रंच, मैं क्या लूं यार, चीज केक या चॉकलेट फज केक में से सोच रहा हूँ। ये वाला भी ट्राई करें, आप भी ट्राई करें। बात ये है कि यार आज डिनर बहुत जल्दी कर लिया था, ऑलमोस्ट 6:30 कर लिया था, तो इस वजह से ना भूख अभी लगी है। सुंदर तुम्हें लगी है थोड़ी सी? गेट लॉक कर दे। बर्गर या पिज्जा? बर्गर और पिज्जा। आप भी व्लॉग बनाएंगे गाइस देखो। ओए यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात करना था जिस वक्त वो आया था, जिस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए हुए थे ना, बेवकूफ इंसान। चलो वो लगा लेते, जिस वक्त तुम पैदा हुए थे ना, तो मैंने यही ये पॉप अप्स मारे थे जमीन के ऊपर फाड़ने के लिए। गाइस यार बच्चों को लगा कि पाकिस्तान आके इन्होंने पॉप अप्स लिए, इन्हें लग रहा बड़ी कोई नई चीज ले ली है। इधर यार अपनी फोर्टनाइट चल गई, तुम दिस वॉलेट ला दो यार मेरा अंदर से जरा। इस तरह से जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा भूत है, लेकिन बात भी सही है आप लोग की, ये भूत ही है। सुंदर ये हरकत ठीक नहीं, ये हरकत ठीक नहीं, ये हरकत ठीक नहीं। खोलो यार, सुंदर खोलो यार, कसम से इतनी सर्दी है भाई। खोल लो यार वो व्हाइट चलवार कमीज वाला ही ना निकल है कहीं से। मैं रात का खाने खाने लगा हूँ और साथ में फोर्टनाइट खेलने लगा हूँ, और इस नोट पे हम एंड करते हैं आज का ब्लॉग। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके ठीक है, कर रही है मेरी वीडियो बनाई।